हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जेड के स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि मैं आपके लिए और नई नई वीडियो ला सकूं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर लिखें आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव के बारे में जानते हैं, ये क्या चीज़ है और इसका क्या काम है, और इसे CD या DVD के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्टिकल ड्राइव कंप्यूटर में CD या DVD या ऑप्टिकल मीडिया या डिस्क को चलाने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं उसे ऑप्टिकल डिवाइस कहा जाता है। आमतौर पर हम इस डिवाइस को CD या DVD ड्राइव या DVD राइडर के नाम से भी जानते हैं। तो यह हमारा ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव है। तो चलिए अब इसकी जनरेशन के बारे में जानते हैं। जनरेशन ऑफ ऑप्टिकल ड्राइव, तो सबसे पहली जनरेशन थी वो थी हमारी CD-ROM। इसका मतलब CD रीड ओनली, ये सिर्फ CD को पढ़ सकता था बस, और इसके अलावा कोई काम नहीं कर सकता। तो हमारा जो सेकंड है वो है CD-RW ड्राइव। इसका यूज़ हम CD को रीड और राइट दोनों काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। और फिर जो हमारी तीसरी आई वह आई DVD-ROM। इसका यूज़ हम CD और DVD दोनों को रीड करने के लिए यूज़ कर सकते थे, लेकिन सिर्फ उन्हें रीड किया जा सकता था, मतलब पढ़ा जा सकता। और फिर जो हमारी चौथी आई वाई कॉम्बो ड्राइव, इसमें रीड और राइट किया जा सकता था, CD को रीड राइट किया जा सकता था और DVD को सिर्फ रीड किया जा सकता था। और फिर जो हमारी फिफ्थ आई वो आई DVD-RW ड्राइव, इसमें हम CD और DVD दोनों को रीड और राइट कर सकते हैं। और फिर इसके बाद चलिए हम नेक्स्ट जानते हैं टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल ड्राइव। ऑप्टिकल कितने टाइप्स हैं इसके बारे में, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू शेप के हिसाब से, सबसे पहले आता है हमारा डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में हम ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव यूज़ करते हैं, और दूसरी आती है हमारी लैपटॉप, और तीसरी हमारी पोर्टेबल जिसे हम कहीं भी ले जा सकते हैं। और नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू कनेक्टिविटी के हिसाब से ऑप्टिकल डिवाइस कितने टाइप्स की होती है, दो तरह की होती है, पहली इंटरनल और दूसरी एक्सटर्नल। इंटरनल जिसे हम कहीं ले जा नहीं सकते, ये ओनली कंप्यूटर में ही रहती है। इसमें जो आते हैं वो IDE पाटा और IDE साटा, ये दोनों इसमें आते हैं। और दूसरी हमारी एक्सटर्नल जो USB 2.0 है। तो चलिए दोस्तों, अब इसके बाद इंटरनल पार्ट्स ऑफ ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव इसके बारे में जानते हैं कि ऑप्टिकल ड्राइव के अंदर क्या क्या उसके इंटरनल पार्ट्स होते हैं, अब उनके बारे में जानते हैं। पहला है लॉजिक कार्ड, इसका काम होता है, इस पार्ट का काम ड्राइव में वोल्टेज इनपुट करना होता है और डाटा का इनपुट आउटपुट करवाना होता है। इसके अलावा ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव के सभी मैकेनिकल पार्ट को ऑपरेट करना होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसे लॉजिक कार्ड कहते हैं, तस्वीर में देखिए आप। और दूसरा है हमारा ऑप्टिकल लेंस, यह लेंस किसी भी तरह के मीडिया पर डाटा रीड और राइट करने का काम करती है। यह लेंस लेजर बीम टेक्नोलॉजी पर काम करता है। ये जो डाटा होता है उसको रीड और राइट करने का काम करता है। और इसके बाद है हमारा तीसरा पॉइंट स्प्लेंडर मोटर, ये मोटर रोटेट मतलब घुमाने का काम करती है।
सीडी या डीवीडी के हर एक सेक्टर या मीडिया का डाटा रीड और राइट कर सके। और चौथा है हमारा ट्रे मोटर, जैसे कि आप देख रहे हैं तस्वीर में, यह हमारी ट्रे मोटर है। इसका काम होता है ट्रे को अंदर और बाहर करवाने का। और इसके बाद है हमारा पांचवा, यह मोटर लेंस को मूवमेंट देने का काम करती है। जो हमारा लेंस होता है, जो डाटा को रीड और राइट करता है, उसे मूवमेंट कराने का काम करती है, उसे आगे पीछे करने का काम करती है, ताकि सीडी या डीवीडी के मीडिया के हर एक एरिया को वह रीड और राइट कर सके। और छठा है हमारा फ्लैक्सी केबल, ये केबल लॉजिक कार्ड और ऑप्टिकल लेंस के बीच डाटा ट्रांसफ़र करने का काम करती है, दोनों के बीच डाटा को ट्रांसफ़र करने का काम करती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियो ला सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।